मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रकाश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन टीचिंग गुरुकुल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश टू हिंदी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं हिंदी टू इंग्लिश बहुत अच्छे से समझा चुका था, डेट मीन्स मैसेजिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपने अगर नहीं सीखी है तो आप वहाँ जाकर उसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि हिंदी के जो नाम है उसको अंग्रेजी या इंग्लिश में लिखने में कभी भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, आप जाके सीख सकते हैं। इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग रूल्स भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप चाहें तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर इंग्लिश रीडिंग रूल के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वही इंग्लिश रीडिंग रूल्स को मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा। ठीक है, ये क्यों जरूरी है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए टी एच ई लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे सबको पढ़ना आता होगा लेकिन फिर भी मैं इसको रूल्स के तरीके से पढ़ना बता रहा हूँ। जैसे टी एच के लिए क्या आता है? ड। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर ड कैसे आता है, तो ये हमारे रूल्स में है ना, आप जाके देख सकते हैं। टी एच के लिए ड और ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, मतलब यदि लास्ट में ई आए तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टी एच के लिए द ही आएगा। ठीक है, और आप लिखते भी द हैं और बोलते भी द हैं। ठीक है, अब बात करें पी के लिए, तो पी के लिए यहाँ पर आ जाएगा प, है ना, प के लिए पी आता है, पी के लिए प। ठीक है, ई को हम पढ़ लेंगे या इसको अ भी मान लेंगे तो ये प के अंदर पहले से ही है। ठीक है, अब बचा गया आर और एस। ठीक है, तो ये जो आर और एस है, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास में रूल्स है कि जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आर आ जाए, जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ जाए तो मात्रा उस कॉन्सोनेंट के ऊपर जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं ये, ठीक है, तो इस कॉन्सोनेंट के ऊपर मात्रा जाएगी पर सर। अब इसकी बात करें तो वो यहां पर पढ़ा नहीं जाता। अब ओ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, तो ये भी मैं रूल में बता चुका हूँ कि ओ और यू को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, ये नियम है। और अगर पढ़ा भी जाता है तो वो आ माना जाता है, और आ जो है पहले से ही किसी शब्द में समाहित है। ठीक है, छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। बचा क्या एन, एन के लिए क्या जाएगा? ना। क्या आप इसको पर्सन पढ़ते हैं? 100% आप इसको पर्सन पढ़ते हैं। तो जब मैं छोटी क्लास में था तो मैं मैडम से कई बार पूछता था कि मैम पी आर एस ओ एन को पर्सन या पर्सन नहीं पढ़ सकते, पर्सन ही क्यों पढ़ते हैं? तो मैडम कई बार मुझे जवाब देते थे कि बेटा इसको पर्सन ही पढ़ा जाता है। मैं पूछता था कि मैम इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? तो मैडम के पास में कोई जवाब नहीं था इसका, वो यही बोलते थे कि बेटा हमारे टीचर ने भी हमको यही बताया है, इसको पर्सन ही पढ़ा जाता है स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए उस समय मुझे इसके बारे में कोई रीजन लॉजिक पता नहीं था, लेकिन आज मैं सभी वर्ड्स के लॉजिक को जानता हूँ, इसके पीछे क्या रूल्स है वो मैं जानता हूँ, और वो रूल्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे। तो आइए वापस हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सन। अब डब्ल्यू एच है ना, हमारे पास में रूल है इसके लिए भी कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला कॉन्सोनेंट हमेशा अधूरा आएगा और दूसरा कॉन्सोनेंट पूरा, ये हमारा रूल है। तो इसमें आधा व और पूरा हा लिख दूं, ओ के लिए यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हु। बी के लिए यहाँ पर आ जाएगा ड। ओ को क्या मान लिया जाता है? आ। ठीक है, या पढ़ा नहीं जाता, तो इसको अगर नहीं पढ़ेंगे ये हट गया। ई को वैसे ही नहीं पढ़ा जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ई द ओमिटेड वर्ड, या ये समझे कि ई जो है वो तो 90% तक कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये मान लेंगे ये तो जात बाहर है ना, आपको ज़्यादातर इसको पढ़ना ही नहीं है, या तो स्टार्टिंग में आ जाए या स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड कॉन्सोनेंट के बाद आ जाए तो ही पढ़ा जाता है, वरना 80% तक नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो ड, अब ई को भी नहीं पढ़ेंगे तो बचा क्या स, एस। एस के लिए स आता है, लेकिन यहाँ पे मैं ज लिखूंगा, ज इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये भी हमारा रूल है कि एस जी झेड और जे के लिए ज आता है। ठीक है, टी एच के लिए द, ई को पढ़ा नहीं जाता, ये बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, यहाँ पर। टी के लिए ट, ई और ए, ई और ए जहाँ पर भी आ जाए इसके लिए हमें ज़्यादातर ये मान लें कि 90% तक बड़ी की मात्रा लगाना है ना, तो यहाँ पर मैं बड़ी की मात्रा लगा दूंगा। सी एच के लिए च, पता ही आपको छोटी की मात्रा के लिए आई आएगा, ये भी आप जानते हैं क्योंकि अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश टू हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं। एन के लिए उनकी मात्रा आ जाएगी और जी के लिए ग, ये हो गया टीचिंग, है ना, आप टीचिंग ही पढ़ते हैं इसको। अब आप समझ चुके हैं कि इसके पीछे क्या रूल है, मैं जितने भी बता रहा हूँ इन सबके पीछे ये रूल्स बता रहा हूँ, है ना, ये क्या रीजन है इसके पीछे। अगर आप ये बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप जितनी भी इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कोई सा वर्ड डिफिकल्ट हो,
तो वो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे और अपने आप उसके पीछे के लॉजिक को पता कर लेंगे यदि आप ये बहुत अच्छे से सीखते हैं तो, है ना। आइए आगे देखते हैं, आगे ले रहा देखिए यहाँ पर ई है लेकिन इनको छोटी की मात्रा पढ़ना है, ये भी हमारा रूल है, आप जाकर देख सकते हैं। एल के लिए ला आएगा और ला में ए के लिए ए की मात्रा आएगी, है ना। इसके लिए भी रूल है कि ए और ई दोनों के लिए ए एडी की मात्रा आती है, है ना। रूल्स में ये हमारा सेकंड नंबर का रूल है। तो ला के लिए आ नहीं, ए के लिए आ नहीं लिखते हुए ए की मात्रा, टी के लिए टा, टा में ए एडी की मात्रा, फिर से ई के लिए और डी के लिए टा, तो हम पढ़ सकते हैं रिलेटेड ही हम इसको पढ़ते हैं। अब क्या रीजन है ये भी आप बता सकते हो। यदि आपसे कोई पूछे कि आपने इसको पर्सन ही क्यों पढ़ाओ, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि देखिए पी के लिए पा आएगा, ई को पढ़ा नहीं जाता, आर और एस दो कंसोनेंट है लेकिन आर इज द सेमी वोवेल, तो किसी कंसोनेंट के पहले आर आ जाए तो मात्रा हमेशा ऊपर जाएगी, तो ये मात्रा ऊपर चली गई, ओ को पढ़ा नहीं जाता, बचाए नहीं, इनके लिए ना आएगा पर्सन। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से लॉजिक समझा सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे डब्ल्यू के लिए हुआ, देखिए ओ को पढ़ा नहीं जाता ये बता ही चुका हूँ मैं आपको। आर और के देखिए आर है ना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि आर इज द सेमी वोवेल और अगर किसी कंसोनेंट के पहले आर आ जाए तो मात्रा कहाँ जाएगी, ऊपर। तो देखिए आप कली टू इस दोपहर मान का वर्क यही पढ़ते हैं हम, है ना, यही लिखा है मैंने। ए के लिए ए एडी की मात्रा, स के लिए जब, क्यों ए एडी की मात्रा क्यों, क्योंकि हमारा रूल है ना, ठीक है। स के लिए जब, एस के लिए सा आता है लेकिन यहाँ पर जा जाएगा, ए के लिए यहाँ पर सिंपल आ जाएगा सभी को पता है, जी के लिए ग, अब यू और आई है ना, अभी हमेशा ध्यान रखना कि ये भी रूल है कि फर्स्ट या सेकेंड कॉन्सोनेंट या वोवेल के बाद में आई आएगा और अगर आखिरी में ई आ जाए तो आई का पूरा उच्चारण होगा। कैसे, तो जी के लिए ग, ग में आई का उच्चारण मतलब गाई, है ना, गाई हो गया, ठीक है। और एम के लिए अम की मात्रा, डी के लिए सॉरी डी के लिए द, ड में ए की मात्रा, ए एड की मात्रा, है ना, एम के लिए अम की मात्रा, सी के लिए यहाँ पर आ जाएगा स, और इनको पढ़ा नहीं जाता, गाइडेंस, है ना, आप इसको गाइडेंस भी पढ़ते हैं। अब एक बार फिर समझ लें, जी के लिए ग, ग में आई, आई का पूरा उच्चारण आएगा तो गाई, ठीक है। डी के लिए ड, ड में एड़ी की मात्रा, एम के लिए आम की मात्रा, सी के लिए सा, डी को पढ़ा नहीं जाता, गाइडेंस। यदि आपसे कोई पूछे कि इसको गाइडेंस क्यों पढ़ते हैं या गाइडेंस ही क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या रूल्स है या क्या रीजन है, तो आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर पी के लिए पा, अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आर हो मात्रा ऊपर जाएगी, अगर लेकिन किसी कॉन्सोनेंट के बाद आर हो तो इसके लिए भी रूल है कि यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद आर आ जाए तो मात्रा हमेशा नीचे जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये लिख देता हूँ मैं, आप ऐसे लगा सकते हैं या फिर ऐसे लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर। प्र हो गया, प्र में ओ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर अर्धचंद्र का रूल आएगा प्र, है ना। सी के लिए स, ई के लिए पता ही आपको एड़ी की मात्रा, और डबल ए से तो एक ही एक आया, है ना। इसके लिए भी रूल है कि जब दो एक जैसे दिखाई देने वाले कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आ जाए तो ज्यादातर एक कॉन्सोनेंट को ही लिखना है, तो मैंने एक कॉन्सोनेंट को ही लिख लिया, तो प्रोसेस, इसको प्रोसेस नहीं प्रोसेस बोलते हैं। ए के लिए एड़ी की मात्रा, एन के लिए अम की मात्रा, और डी के लिए डब, है ना। आई के लिए ई, ठीक है, और एन और एस मतलब कि आधा ना और सब, और अगर आप ऐसा ना भी लिखें, है ना, इसके लिए भी रूल है हमारे पास कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला कॉन्सोनेंट हमेशा अधूरा आएगा, दूसरा पूरा, लेकिन क्योंकि एन है और एन खुद की एक मात्रा है तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंस, है ना। पाई के पी के लिए पी आ जाएगा, आई के लिए छोटी की मात्रा इंस पी, आर के लिए रा, रा में एड़ी की मात्रा तो हो गया इंस पी, और टी आई ओ एन के लिए सन सभी जानते हैं, ठीक है, इसके लिए सन आएगा, सॉरी इंच पी रेसर, ठीक है। अब ये सन क्यों आएगा ये भी मैं बता दूं, टी के लिए स आता है, आई को जो है यहाँ पर आई और ओ दोनों ही नहीं पढ़ा जाएंगे, और अगर दोनों नहीं पढ़ा जाएंगे तो बचा एन, एन के लिए ला आता है, तो इंस्पिरेशन। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आई के लिए ई आ जाएगा, एन के लिए ना आ जाएगा। अब देखिए आप ये जो है इन शब्द अलग है, साइड अलग है, ऐसा ही थी। अब मैं बोल तो चुका हूँ साइड, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि हम साइड बोलते हैं, इसको सीधे नहीं बोल सकते क्या, आराम से बोल सकते हैं ऐसा इसी डी ई डे सीधे, लेकिन नहीं बोला जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि जब पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद आई आ जाए और आखिरी में आ जाए तो आई का पूरा उच्चारण आएगा। तो देखिए एस के लिए स, स में आई का पूरा उच्चारण आई, है ना, साई, है ना, साई। डी के लिए द, और ई को पढ़ा नहीं जाता, है ना, ये हमारे पास रूल है कि यदि आखिरी में ही आ जाए तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता।
फिर वही पीएच के लिए डा इसको पढ़ा नहीं जाता, सी और एल मतलब आधा का और ला, क्यों? क्योंकि जब दो कंसोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला कंसोनेंट अधूरा दूसरा पूरा आएगा। क्ला, क्ला में आपकी मात्रा ला, अब दो एक जैसे दिखाई देने वाले कंसोनेंट है मतलब दोनों में से एक को लिखना है, मतलब स हो गया। आर के लिए रा, रा में डबल हो गया बड़ा ओ की मात्रा आ जाएगी। रूल एम के लिए म, क्लास रूल। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई रूल लगा ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि सभी में रूल लगे, लेकिन 95% जो है आपके स्पेलिंग उनमें रूल्स लगता है कुछ। जैसे अब ये है तो ये हिंदी टू इंग्लिश जैसे मैंने लिखी थी वैसे इंग्लिश टू हिंदी हो सकती है। आर के लिए रा जाएगा, डबल ओ के लिए बड़ा ओ की मात्रा, एम के लिए म, रूम, एफ के लिए फ। अब ये देखिए वो यहाँ पर अर्धचंद्राकार बिंदु की तरह इसका प्रयोग करेंगे, फ आर के लिए रा, फा है ना, इसको फोर नहीं फार बोला जाता है। टी एच के लिए द, इसको पढ़ा नहीं जाता। डब्ल्यू के लिए वा जाएगा, ई के लिए ए की मात्रा। अब एल और एफ आधा ला और फ, क्यों आएगा आधा ला और फ? क्योंकि दो कंसोनेंट है और हमारे पास रूल है कि जब दो कंसोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला अधूरा दूसरा पूरा आएगा। वेल अब एफ ए में ए की मात्रा है मतलब एडी की मात्रा है, थे है ना। अब ये यहाँ पर आर, सॉरी यहाँ पर अ और आर के लिए र, वेलफेयर, ई को पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, यहाँ पर ज्यादातर यह लगाते हैं लेकिन यह नहीं आएगा, यहाँ पर ए के लिए अ ही आएगा, ठीक है, वेलफेयर, ठीक है। अब ओ के लिए आधे चंद्रकार बिंदु, आ, एफ के लिए आ, स्टूडेंट, ठीक है, आधा स और टा, ठीक है, इसका छोटे की मात्रा है तो स्टू। डी के लिए द, द में ए की मात्रा, ए की, एन के लिए अम की मात्रा, डी, टी के लिए स और टी के लिए, सॉरी टी के लिए आधा ट और स, स्टूडेंट है ना, क्योंकि टी और एस दो कंसोनेंट है तो एक साथ अधूरे एक पहला अधूरा आएगा, तो ये हलन लगाकर मैंने इसको अधूरा कर दिया, स्टूडेंट। अब इसको भी मैं बता देता हूँ, आई के लिए ई, स के लिए ज, रूल है हमारे पास के, यहाँ पे के इसके साइलेंट वर्ड है ना, एन के लिए ना, ना में ओ की मात्रा, ना, डब्ल्यू के लिए हुआ, एन यहाँ पर साइलेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये वर्ड साइलेंट है? तो मेरे ख्याल से जो वर्ड हमें बोलने में परेशानी हो या हमारे मुंह से नहीं निकले डेट इज वो वर्ड हमारे साइलेंट हो गए। तो नौ, ए के लिए ए, एस के लिए ज, एच, टी के लिए चार, टा में बड़ी की मात्रा, सी एच के लिए च है ना, आर ई के इनको पढ़ा नहीं जाता, आर के लिए र, च। तो देखा आपने ये बहुत आसानी से हमने इंग्लिश टू हिंदी कर लिया। ये मैं इंग्लिश टू हिंदी इसलिए सिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं इसकी हेल्प से एक तो वो रूल्स बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, और दूसरा इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे। अगर वो भी अगर कोई इंग्लिश की दो तीन लाइन लिखी है और अगर वो उसको रूल्स लगा के करें तो वो बहुत ही अच्छे से सही प्रोनाउंसिएशन वाली इंग्लिश रीडिंग सीख जाएंगे और कहीं ना कहीं इंग्लिश से हिंदी सीख जाएंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो बड़े स्टूडेंट है, टीचर्स है या कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं तो वो इसको इसलिए सीखें ताकि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब कौन से रूल, कौन से वर्ड या कौन सी स्पेलिंग के पीछे क्या नियम है, क्या लॉजिक है, वो उन्हें पता चल जाए। क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं था और ना ही मुझे कभी टीचर किसी टीचर ने बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो कृपया करके आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें, समझें और बढ़िया तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसके आगे मैं और भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल के लिए यही, थैंक यू सो मच।